शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने दुर्ग संभाग के शिव सैनिकों की बैठक ली। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को खड़ा करने का निर्णय भी लिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की बैठकों के दौर का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैठक में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी रणनीतियां बनाकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार द्वारा दुर्ग संभाग के शिव सैनिकों की बैठक शनिवार को ली गई। बैठक में दुर्ग संभाग से आए सैकड़ों की संख्या में शिवसेना के पदाधिकारी शामिल हुए। यहां उन्हें प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने को कहा, साथ ही चुनाव में जीत हासिल करने बैठक में रूपरेखा भी तैयार की गई। शिवसेना प्रदेश प्रमुख ने दुर्ग संभाग के सभी शिव सैनिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मतदाताओं से सीधा संपर्क कर शिवसेना की रीति नीति से अवगत कराने को कहा। बैठक की जानकारी शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने दी। देखिए, ये हम लोग का जो डिवीजन का संभाग स्तरीय बैठक है। अभी हमने इसके पहले एक संभाग स्तरीय बैठक लिया था बिलासपुर संभाग का, आज दुर्ग संभाग का बैठक है। इसके बाद में हमारा सर बस्तर संभाग का, फिर रायपुर संभाग का, फिर सरगुजा संभाग का। ये सारी बैठकें हम लोग इस कोशिश के लिए कर रहे हैं कि जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, सब पदाधिकारी एक मत हो, आगे जो हम लोग कार्यक्रम डिसाइड कर रहे हैं उस कार्यक्रम में सबके सब साथ रहें। और हम लोगों ने ये जो चीज़ चुनाव के लिए संदर्भ में जो हम लोग की तैयारी चल रही है उसमें एक हम लोग का प्रशिक्षण शिविर भी लगा रहे हैं। तो प्रशिक्षण शिविर के लिए भी हम लोग बंदों का चयन कर रहे हैं कि कौन कौन सा कार्यकर्ता वहाँ जाएगा और शिविर में दो दिन के शिविर को पूरा झेलने के आने के बाद में आके सड़क पर काम करेंगे। जो हम लोग का अभी तोड़ो मोर्चा निकाल रहा है, इसके लिए भी हम लोग बोल रहे हैं कि चुनावी आचार संहिता लगने के पहले पूरे स्टेट में हर गली में हर जिले के अंदर में हमारा तोड़ो मोर्चा निकले, जिससे आम जनता के बीच में हजारों से हजारों लाखों की संख्या में हम लोग का पॉम्पलेट वितरित हो जाए और लोगों के बीच हम लोग की भावनाएं पहुंच जाए। हम लोगों ने अपना एक विचार बनाया है, जो सरकार अगर ये बोलती है तोड़ो मोर्चा का मतलब पूछती है तो हम लोग ये कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस सत्ता में बैठे हुए हैं या बैठने वाले हैं, ये लोग हमेशा जो वायदे करते हैं उसका 50% वायदा ये लोग पूरा नहीं करते। हम लोग इस मानसिकता को तोड़ना चाहते हैं कि आम गरीब जन को धोखा मत दो, उसकी आंख में धूल मत झोंको। इसलिए हम लोगों ने अपना अलग से एक धारणा पत्र बना के रखा हुआ है, जिसमें आम गरीब जन के हिसाब हम लोगों ने इस चीज़ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसानों को प्रति क्विंटल हम सीधे 3500 रुपये का भाव देंगे और उनका दाना हम लोग खरीदेंगे। आप सरकार बोलती 20 क्विंटल, पहले बोलते थे कुछ और, यानी हम लोग का ये कहना कि हम पूरा खरीदेंगे और 3500 रुपये का भाव देंगे। वृद्धावस्था पेंशन योजना 350 रुपये की सरकार चला रही थी, अभी की सरकार कांग्रेस सरकार, हम लोग इसको बढ़ा के सीधे 2500 रुपये से 3000 रुपये करेंगे एक कपल का, या सिंगल अगर आदमी रहेंगे तो भी। ऐसे बेरोजगार भत्ता हम लोग 5000 करेंगे, अभी सरकार तो 2500 2300 2400 रुपये देने में इनकी काखें फूल जा रही है। हम लोगों ने ये जो मुद्दे रखे हैं, इस मुद्दों को लेकर हम लोग आम जनता के बीच में जा रहे हैं। एक जो हम लोग का सबसे टची मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि इस छत्तीसगढ़ में लगभग जो BPL परिवार है और उससे भी नीचे निराश्रित जो परिवार है, निराश्रित गरीब है जो लोग, उनकी बेटियों को आज की डेट में कहीं भी साधन सुविधा नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में BPL योजना के अंतर्गत में जितनी भी बेटियां पैदा होती हैं छत्तीसगढ़ के घरों में, इन सब बेटियों को हमारी सरकार समर्थन सरकार से बनने के उपरांत हम लोग सबसे पहले इन लोगों का बेटी का हमार कन्या योजना हम लोग लागू करने वाले हैं। उस योजना के तहत में हर प्रत्येक बेटी को पैदा होने से लेकर शादी तक का खर्चा सरकार देगी। ये हम लोग की डिमांड है, ये हम लोग की मांग पत्र है और पब्लिक के बीच में हम इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार जा रहे हैं, उसी के लिए हम लोग की तैयारी। नहीं, हम लोग इसको गुड नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जहाँ पे पार्टी है वो हम सब हम ही लोग हैं। तो ये लोग जो इकट्ठे होते हैं, इन लोग का अपना स्वार्थ हो सकता होगा कहीं पर। और मैंने जो सुना है कि उसमें गाय गट्टी का भी पैसा लेते हैं और चंदा कलेक्शन भी करते हैं। हम लोग को इन सब विषयों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड देश हित के लिए, हिंदू हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, आम जनता के खिलाफ हम लोग का संघर्ष पिछले 40 वर्षों से जारी है और लगातार जारी। कोई हम लोग के ऊपर उंगली आज तक नहीं उठा सका कि हम लोगों ने गाय का पैसा खाया। शिवसेना की संभाग स्तरीय बैठक में प्रदेश शिवसेना के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठकों का सिलसिला अन्य क्षेत्रों में भी निरंतर जारी रखे जाने की जानकारी शिवसेना के पदाधिकारियों ने दी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट।